चेक दिस आउट, ये भी मैंने शीन से ऑर्डर करी है, देखो। तेरा झाड़ू दिला दूं तुझे। आज गृहस्थी वॉक पे चली। गाने गाने चलाओ। आई। मैसेंजर। You're my baby, good boy. चक्की वॉक। Hi guys, welcome back to the channel. आज है वीकेंड और चीको इज ऑल रेडी इन हिज न्यू बैग। दोस्तों बहुत ही प्यारा बैग है ये, बैग मैंने ऑर्डर किया शीन से एंड आई वुड वांट टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो शीन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज करते हैं दिन की शुरुआत और मेरे और फिशी की लड़ाई जो हुई थी वो सॉर्ट हो गई है, आज ही इसने मेरे को मना लिया। दोस्तों को बता भी देते कि कैसे लड़ाई है सॉर्ट होती है, चलो। जब मैं हिलता हूँ तो ये ठीक रहता है? हाँ ठीक है। गाइस अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है ना, तो हम भी थोड़े से कॉशियस है कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। डॉग ओनर्स को, कैट ओनर्स को करते हुए तो देखा है, बट हम थोड़े से नर्वस है इसके लिए। धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा फॉर श्योर। अपनी उदास परेशान बीवी को लेके बाहर जा रहा हूँ अपने बच्चे के साथ कॉफी पीने के लिए। एक और बात बताते हैं, हमारी 3 दिन से लड़ाई चल रही है, तो 3 दिन से जो भी यूट्यूब पे गया है वो हमने पुरानी वीडियोस जैसे हफ्ते पहले की शॉट की हुई है वो डाल दी, क्योंकि व्लॉग तो हम देखो बना नहीं रहे थे, तो 3-4 दिन बाद आज हम व्लॉग बना रहे हैं। लड़ाई काफी लंबी चल गई हमारी, और ये नहीं कि लड़ ही रहे थे हम दोनों, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देते एक दूसरे को। तो आई थिंक अगर ये क्वेश्चन कभी किसी ने पूछा कि फियांशो और किरत आपकी सबसे लंबी वाली लड़ाई कितनी देर की गई है, तो आई थिंक अब शादी के बाद थोड़ी थोड़ी लंबी चलने लग गई है ना। आज गया मैं इसके पास, वैसे तो कल रात को गया था चीकू का बहाना लगा के, मैं को लग रहा था कि चीकू काफी डिस्टर्ब चल रहा है कि हम दोनों नहीं बात कर रहे थे। 3 दिन तक हमारे घर में यही सब चला, इसने उस बात को तवज्जो नहीं दिया था, तो फिर मैं वापस अपने रूम में चला गया, ये अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। पिछले 3-4 दिन में मेरे घर पे इतने सैड सॉन्ग चले गाइस फुल वॉल्यूम पे, छूलो चला है, हुसन चला है, पुराने आमिर खान के सॉन्ग, शाहरुख खान के सॉन्ग, ये सब चले, तो मैं इसका गया स्पीकर पे कोई नहीं लगाया था, मैंने इसको जस्ट हग कर लिया और मैं चल खत्म करता हूँ, हमारी लड़ाई खत्म होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी कभार अगर दो अड़ियल लोग भिड़ जाए आपस में तो जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई को डिस्कस ही करना होता है। मुझे भी पहले यही लगता था बिफोर मैरिज कि हर लड़ाई को डिस्कस ही करना होता है, बट लड़ाई को डिस्कस करे बिना भी कभी कभार आगे गाड़ी चल जाती है, क्योंकि द पर्सन द रिलेशनशिप इज बिगर देन द फाइट और द आर्ग्यूमेंट। आपको तो पता ही है हमारी तो जो लड़ाई हुई थी वो भी यूट्यूब के सामने हुई थी। फनी बात यह है कि जो लड़ाई वाला व्लॉग गया और इसी वाला व्लॉग गया इसमें कोई गैप नहीं होगा, तो वो साथ ही जाएगा एकदम, तो आपको तो कॉन्टिन्यूशन में स्टोरी मिलेगी। कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो तुम्हारी बात किस लड़ाई पे हुई थी, बट उस बात को 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हुए नहीं, हमारे को 3 दिन ही हुए थे। पहली एक रात वाली लड़ाई, फिर अगला दिन दो, फिर अगला दिन और आज चौथा दिन है। मेरे लिए तो पल पल ऐसे बीत रहा था दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं, बाकी किसी के लिए पता नहीं कैसे चल रहा था जिंदगी। सैड सॉन्ग कौन सुन रहा था? तो सैड सॉन्ग आता तो मुझे लुभाने के लिए सुनती है सब पता मुझे। जैसे सैड सुन लेते ना, हेडफोन लगा के सुन लेता है। हेडफोन ही लगाए थे इतनी जोर की किचन में चल रहा है, छूलो जो मुझे तुम कभी। मेरे बच्चा परेशान हो रहा है। तेरा अकेले का बच्चा है? बारिश हो रही है। मैं तो बड़ा सीनिक व्यू लगता है ना मुझे, ये जस्ट अनबिलीवेबल। जो से मर्जी मौसम में मिला बच्चा। औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। मैं सेक्स चेंज ऑपरेशन कराऊं तेरा दर्द समझने के लिए? नहीं, फिर मैं बस काउंसलिंग की जरूरत होती है थोड़ी सी। साइट काउंसलिंग। मैं बिल्कुल ऐसे मौन व्रत में ही चली जाती हूँ, मुझे लगता है मेरे वोकल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए होंगे पिछले 4 दिनों में। चल गा के सुना फिर। मैंने सोचा ना था, मैंने सोचा ना था। कैसे लगे वो पहले जैसी बढ़िया। मैं इसको अपनी छाती के पास रखना चाहता हूँ हमेशा। किसी का मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, इसको ज्यादा मैं छाती से लगाया करो, प्यार करा करो, जब आपका बच्चा होगा ना दिन चीकू विल बी फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि आप इसको इतनी अटेंशन नहीं दे पाओगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा चीकू तो बड़ा हो जाएगा और वो मेरी चीजें समझा करेगा, एंड ऐसा नहीं है कि इसको नहीं है टेंशन दूंगी, मैं तब भी दूंगी, थोड़ी कम हो जाएगी ऑब्वियसली, बट मतलब मुझे लगता है मम्मी पिताजी होंगे, कोई बच्चा संभाल रहा होगा, चीकू होगा। हाँ, बट मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि चीकू इतना बड़ा होगा कि चीकू और बेबी का ख्याल रखेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ही विल बॉन्ड विद द बेबी, वो बॉल ला ला के देगा। हाँ, ही तो कांट वेट फॉर दैट डे। फिर चीकू में देखिए कहेगा इसको तो फेच भी नहीं आता करता, देखा
वैसे कहती चीकू स्टैंड खड़ा हो गया स्टैंड कर ना मतलब बच्चा एंड मैं इतनी खुश हूँ ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से ट्रेनिंग करने में क्योंकि आवाज में थोड़ी मिठास तो आई है ऐसे सरलता आई है लग रहा है इसलिए तो बहुत धीरे बोल रही है हां मुझे फील हो रहा है तुमने तेज बोलना भी बाय द वे तू ही सी बात पुच्ची भाई हमने चीकू के लिए अपना बैग ऑर्डर किया जो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा था। ये बैग बहुत ही रीजनेबल पड़ा है और भी किसी वेबसाइट पे मैंने ये बैग देखा था काफी एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। सेकंडली आपने देखा होगा कि चीकू के लिए हमने लास्ट ट्रेल पे एक स्कार्फ को रैप करके उसके लिए एक पाउच बनाया था बट वो वाला कैरियर भी अब हमने शीन से ले लिया। सो नेक्स्ट हाइक पे आप चीकू को इस कैरियर में देखोगे। शीन पे काफी सारी डील्स चल रही है। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे यू विल गेट एन एडिशनल 15% डिस्काउंट एंड हमने ये बेड भी ऑर्डर किए जो गाड़ी में लग जाता है एंड चीकू कैन ट्रेवल इन स्टाइल एंड ईज। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप अपने पेट के लिए लेना चाहते हो या शीन से कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हो यू कैन यूज आर 15% एडिशनल कोड, वो कोड भी होगा डिस्क्रिप्शन में। हैप्पी शॉपिंग। खुद की नजर लगा दी हमने क्या, क्योंकि उसी दिन याद है बोल रहा था कि हम वी आर वेरी कैलकुलेटेड वी आर वेरी सॉर्टेड। तेरी बुद्धि काली, तेरी बुद्धि काली, तेरी बुद्धि काली। पहले भी बातें ही भी रेसिस्ट ही हुई। बैक टू द टॉपिक, तो मेरे को ऐसा लगा क्यों नहीं समझ रहे, मतलब हाउ कैन यू फॉरगेट द एंटायर जर्नी एंटायर थिंग्स दैट आई डू। सिर्फ एक इंस्टेंस से मतलब कि उसने सारा ये कर दिया और इतना मुझे तो पता ही चला कब ब्लास्ट फट गया। मैं अगली बार देखो 6 टेबल आगे दे दिया, टेबल पे टेबल टेबल पे टेबल टेबल पे टेबल सियांचु ने आंख मारी की रत बेहोश। सेंसिबल हूँ, मेरे को 6 टेबल चाहिए। हमारे घर पे अभी 3 तो थे तो चौथा क्यों रो रही थी? फिर से एक्सप्लेन करो मैं तुझे। नहीं, याद आ गया। तेरे को पता नहीं उसके कितने बबल्स हैं। मल्टी कौन सा मल्टी? वो भी तुझे याद है, वहाँ भी हो सकते हैं और कहा no, अभी भी रॉन्ग है। कब लेके जा रहे हैं कॉस्को? अभी कॉस्को जाने। हम कह रहे क्या पसंद है आपकी बेटी को, कह रहे टेबल, कह रहे कौन सा, कह रहे मल्टीपल। जितना मांगा होता ना उतना दे दिया तेरे को बस। अच्छा आज ना सुबह मैं और कीरत हंस रहे थे, मैं कीरत बोल रहा हूँ कभी किसी से बात हुई कि आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई होगी आपके हस्बैंड साथ, तो क्या उन्होंने आपको कोई मतलब इयररिंग्स ही लेके दिए सोने के या बालिया कुछ ऐसे करके नेकलेस ही ले गया? कह रही क्या किया आपके हस्बैंड? टेबल ले गए ठीक है इस वजह से। कह रहे काफी रूड हुई गई आपके हस्बैंड, तो उन्होंने क्या कहा आपको? कह रहे नहीं मतलब काफी बहस हुई होगी। बात टेबल की नहीं, बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। गृहस्थी कौन चलाती है? एक लड़की एक वाइफ चलाती है, उसको पता है। बड़ा सेक्सिस्ट बात हुई। हाँ तू तो नहीं चलाता, तेरे को नहीं पता होती छोटी छोटी चीजें। गृहस्थी कहीं चलने नहीं जाती, मैं तो चला देता सब कहीं। आज गृहस्थी वॉक पे चली गई। छोटी छोटी चीजों का ध्यान कौन रखता है? पहले साल जब मैं कनाडा में आया था ना गृहस्थी मैंने ही चलाई थी, ठीक है। इन नन्हे नन्हे हाथों ने जितने बर्तन धोए ना डिशवॉशर के बिना, आप तो डिशवॉशर वाली बहू हो। अभी नन्हे नन्हे हाथों ने बहुत धोए हैं जस्ट बिकॉज कि तू पढ़ ले। कुछ नहीं, मैं तेरे को घर का काम देता कि पढ़ ले। अगर मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन जाऊंगा तो उसका फायदा किसको होगा? मेरे ही होगा। इसीलिए वीडियो तो बड़ी बोल रही थी कि रोलेक्स नहीं चाहिए। नहीं इसीलिए नहीं दे रही रोलेक्स। बहुत कमाएगा क्यों नहीं लूंगी, छाती टोक के लूंगी। छाती अभी टोकवाले रोलेक्स बॉस में दे दूंगा तेरे को। छाती पीट में जा रहा है अपनी पीठ ना चारो अपनी। मैं तो सच में दिल से चाहता हूँ टेबल की बातें भूल जाए। अगले वैलेंटाइन पे तेरे को 2 टेबल पे बो लगा के दूंगा। ऐसा वो टेबल अपने गिफ्ट के लिए नहीं चाहिए, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर टॉयलेट पेपर अगर घर पे खत्म हुआ हुआ है, मैं तुझे गिफ्ट में टॉयलेट पेपर लगा के दे दूँ। तो देती थी कच्चे जुराबे और
आई थिंक गाइस बड़ी लड़ाई ना ज्यादा ये होगी कि इसको हर्ट हो गया, मैंने टेबल की भी बेइज्जती की थी, मैं कौन सी इसमें सिरोस्की लगी थी, तो वो कीरत काफी दिल पे लगी थी। बात टेबल की नहीं है, टेबल जो सिग्निफाई करता है आत्मविश्वास, मेरे डिसीजन मेकिंग पावर की जो मेरे से ले नहीं गई, बात वो है, मेरे से मेरे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं कोई ले। आप क्या खरीदना चाहते हो, पेट्रोल पंप, घर, जो मर्जी खरीदूं मैं, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मेरे से कोई ले सकता। आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट। फिर पूछने क्यों आई थी, कर ले क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक्स बाबू, थैंक यू फॉर गिविंग मी सूडो सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग अ मर्द। थैंक्स। तेरे मर्द तेरे से एक सवाल पूछा है, जवाब तूने हाँ ही देना है। पूछा सिर्फ तेरे लिए कि तेरे को अच्छा लगे। मैंने सोचा प्लीज हेल्प जमा ही पूरा भाई, इंडिया वाला काम चल रहा है। जलेटो खिला दो, पहले टेबल लेंगे फिर उसके बाद। मेरी फेवरेट जगह आ गए हैं हम फिर से, ग्रैनविल आइलैंड। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, आज बहुत रश है। आई डोंट थिंक सो वी विल बी एबल टू गेट द सीट। You're gonna stay here, okay? Good boy, chica. Itte pipi karni chahiye, okay? And aur ya mere gugu ka bed. Chi? Yeah. Are you sorry? Tera jhadu dila dun tujhe. Dekho table aur jhadu dono dila dunga. मीठा हो जाए 100% बाबू 100%। वो टेबल पे क्या खाएगी तू, कुछ ऊपर रखेंगे ना, जो तेरा दिल है बाबू, मैंने मरना मना करके। ऊपर से क्लोज हो गया, अब अभी से क्लोज हो गया। गरम गरम चाय भाई, ठंड लग रही है पैरों पे। अंदर दोस्तों जगह नहीं थी तो हम बाहर बैठ गए आज। अभी उसको मनाने क्या कोई उसको पिलाने वाली हूँ। हर बार ये लड़के मेरे को बाहर लेके आते, कॉफी पिलाऊंगी कॉफी पिलाऊंगी, उसके बाद इतनी ठंड में बैठी रही और एक वीडियो बनवा ली मेरे से। और कुछ नहीं, इसको ज्यादा शौक चढ़ा था कोट उतार के रील बनाने का। तूने जवाब देके कुका, बाय बाय ग्रैनविल, बड़ा मजा आया बट वीडियो बनाने में। हमने यहाँ पे बैठे बैठे एक वीडियो बनाई दोस्तों, जिस वीडियो में था बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने हमसे इंस्टाग्राम पे पूछे थे। लवली वीडियो बनी है, क्या बढ़िया आंसर दिए। ये लोग अंदर कैसे हैं अभी तक, ये सारे वर्कर्स। तुमको जब से हाँ देखा तुमको यारा, आजा तू भी अंदर आजा। अंदर ही आऊंगी फाइनली। ये कोविड वॉशरूम में लड़का लड़की साथ आ सकते हैं। अंदर से स्प्लिट होगा मुझे लग रहा। नहीं एक ही उसके अंदर वो पॉट लगे ज्यादा रहो को आसमान, ठीक है। इंस्टेंट हो गया था चिकू के पापा के साथ। तोड़ा एक लड़की आई, उसने ना अपने दोस्तों को करके ऐसे कहा, तो मैं देखे मैं क्या हो गया, तो वो मेरे को सॉरी सॉरी कहने लगी, तो कहती आई एम लैटिना आई एम लाउड, तो मेरे अंदर से आया था आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बट मैं समझ में नहीं आएगी। थैंक यू, माफ कर रहा हूँ, आई लव यू। जेन्युइनली माफ कर दिया। इससे पहले तो जेन्युइनली ने माफ किया था। और बताओ दोस्तों कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ, बिजी बॉयज एंड गर्ल्स। अभी चीकू से मिलवाती हूं कि हाउ इज माय बेबी डूइंग, डिड ही डू एनी पॉटी सुसु और नो। प्रियांशु की हालत बाय द वे बहुत ही हमेशा ये लड़का कम कपड़े पहन के आता है और फिर ये पछताता है। ये देखो इनको मिल चुकी है टिकट, दिख नहीं रहा। ओ पूरा नहीं, हाँ जाग रहा, अपने आराम से सो रहा था। तू ना उसको पूरी बास्केट दे दे, उसकी पूरी मिला बच्चा, मिली पूरी बास्केट दे दो अरे बच्चे का। आजा चिका मेरा बेबी, मेरा बेबी, मम्मा पापा आगे जी। पूरी गाड़ी तो कितनी गर्म है, मस्त हुई हुई है गाड़ी। और फादर कम्बी कम्बी विदाउट कपड़े। चिक चिक चिक, आ देखो मेरा बेबी द न्यू सीट, चेक दिस आउट, इट्स अ कार सीट। पा रही हो ना इसकी कार सीट, चेक दिस आउट, ये भी मैंने शीन से ऑर्डर करी है, देखो। अजी पापा बोल रहे हैं जी। और कुछ नहीं, इसको वो ड्राइविंग सीट वाला बंदा पसंद है। तेरे लिए पापा को उधर भेजे, मन तू मम्मा को लाना चाहिए। गुड बॉय बनी दे, गुड बॉय।
चलाओ पैसेंजर, इतने काम नहीं होते मेरे से। मैं देख रही हूँ लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। ये देखो ये चीकू की सीट है प्रॉपर, यहाँ पे लॉक लग गया, ये भी शीन से मंगवाई है हमने, हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है बेबी, गुड बॉय। सबसे पहले आके चीकू को सुसू करवाया चीकू की मम्मी ने, क्योंकि चीकू काफी देर से, उसका दिल था शायद, पीपैड रखा हुआ था मैंने, किया नहीं से। तो हमारी लड़ाई चल रही थी, तो दो दिन पहले मैंने शैतान का ट्रेलर देखा। मैं इतना डेस्परेट था कीरत को दिखाने के लिए कि लड़ाई में कैसे बताऊं कि इतनी तगड़ी मूवी आ रही है। कीरत तेरी बच जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ। आई वॉन्ट ऑल योर अटेंशन राइट नाउ। आपने शैतान का ट्रेलर देखा कि नहीं, कॉमेंट से बताना। कीरत ओ शैतान में ही है। हाँ। Ready? कीरत व्यूज देख ले, दो दिन पहले 33 मिलियन आए। Oh my God. सो बेसिकली मैंने दो दिन पहले देखा और मैं तब से क्रेजी की तरह लड़ाई में वेट करूं तुझे कब दिखाऊंगा। तो जिसको नहीं पता मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ये एक गुजराती मूवी का रीमेक है, उस मूवी का नाम था वश गरारी अटकी। मुझे स्टोरी जाननी है क्या है, आपको नहीं बताऊंगा, मैं तो स्टोरी देख ली, मैं तो भाई पागल हो गया, 8 मार्च की वेट करता हूं, तो अभी अभी मैं तो थिएटर में फिर भी देखूंगा, मुझे सारी स्टोरी पता है। हालांकि अगर मेरे को स्टोरी ना पता लगती तो ज्यादा मजा आता, अगर तेरे पे कंट्रोल करने की हिम्मत है स्पॉइलर नहीं तो कीरत तो कंट्रोल कर रही है, बट मैं तो पढ़ने लग गया। मूवी थोड़ी देखी है, जान लिया। क्लाइमैक्स वगैरह मुझे सब पता है, बट इट इज स्पॉइलर अलर्ट, यू कैन स्किप इट, इट इज प्रीटी सैड, इतने स्पॉइलर दे रहा हूँ। बट आप ट्रेलर देखना अगर आपने शैतान का ट्रेलर देखा, बहुत फाड़ू मूवी। चल मैडम मैं जा रहा हूँ जिम। मत जाओ यार, 10 बजे क्यों जा रहा है? मेरी गाइस 3 दिन लड़ाई हुई है, मैं 3 दिन जिम नहीं गया, आपको मैं क्या बताऊँ, इतना डिप्रेशन में था कि प्रियांशु शर्मा ने जिम ही मिस कर दिया। क्या फायदा ऐसे हत्या करने का, आई चक्की वो बैक ही मार रही है, पीठ पे ही तूने हमला किया मेरे, जाने दे नहीं। मैं 1 घंटे में आऊंगा, 10 हो गए, सो जब भी खाना रेडी है बस। 24 घंटे जिम का क्या फायदा, 2 बजे जाऊँ रात को जिम, रूटीन खराब होती है फिर। कोई हमारी रूटीन है नहीं दोस्तों, है हमारी रूटीन। देख किरत, एक तो मेरी वैसी बॉडी बन नहीं रही, ऊपर से मैं कह रहा मैं तेरे पे ब्लेम डालू कि तेरी वजह से नहीं बन रही, अच्छा नहीं लगता। ऑडियंस है ये क्या दोगलापन है, मैं तुझे आज तक नहीं रोका है बस। एक तो 10:15 तुम खुद सोचो कि बंदे को खुद को कितना मोटिवेट करना पड़ता है जिम जाने के लिए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। फिर क्या प्लान है ये बता। प्लान है अपना वो गरम गरम नान खा बनाए, गरम गरम नान नहीं मैं खा रहा, चावल कुछ और कुछ तेरे लिए चावल है, उसके बाद डिनर अर्ली करके जल्दी सोएंगे, फिर कल सुबह जल्दी उठेंगे। और ऑफिस का तो कोई काम नहीं है आज का, मैंने जो करनी थी इवन कर दिया, मैंने व्लॉग भी मैंने अपने रेंडर पे लगा दिया है आगे, बस उसके बाद जल्दी करेंगे अपन सोएंगे। कल अपन ने कितने सारे काम करने हैं, क्या काम करने कल हमने, कल हमारी प्यारी उमा आंटी का बर्थडे है, बट वो काम नहीं, वो तो जाना है मिलने, वो तो मिलने जाना है, कैंपेन्स का भी देखना करना है। घर के तो कोई काम नहीं है, डस्टबिन में फेंका था, कॉस्को भी जाना, टेबल खरीदना। बाबू मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 टेबल चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ मैं अजय देवगन की तरह 2 टेबल पे ऐसे पैर रखते हुए हूँ। आशीर्वाद तो गर्म लग रहा है, मैंने तेरे को टॉवल दी। चिक्का हट जा, ठीक है पीछे हो जा। अरे रुक जा मैं वैसे करता हूँ, छोटा ये कुछ नहीं है, देख कुछ नहीं। बादशाह ओ बादशाह, दोबारा मत बोला कि हमने चेतावनी नहीं दी थी। चिका देखा पापा कितने स्ट्रॉन्ग है, जो काम मम्मा नहीं कर पाते उसके लिए मम्मा बुलाते हैं पापा को। ये बता हलवा खा रहे स्वीडिश में, सूजी का हलवा तो हेल्दी है नहीं, खत्म हो गया। ओहो आटे का बनेगा, छोड़ फिर रहने दे, आटे वाला नहीं खाना, फिर ज्यादा बेसन। मैं कह रहा हूँ फिर पूरिया बना ले, कंजके बना ले, वो देखिए तो ना आजकल एयर फ्राई में पानी वाली पूरिया बन रही है, सब वायरल हो रहा है। हाँ बिन टुकड़े जब प्रियांशु और कीरत खुद तो बाहर जा नहीं सकते तो दूसरों लोगों को कैंपिंग करते हुए देखते हैं, क्या सुकून मिल रहा है यार। वीडियो में व्यूज है 9.3 मिलियन व्यूज, बंदे ने 8 मिनट हो गए एक मुंह का कुछ आवाज नहीं बोली, बस यही देखते रहो, सुख इतना मिलता रह सकते तुम नेचर में हो।